हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ इंडियन वर्क। प्लांट पैथोलॉजी की मेन हिस्ट्री या मेन स्टार्टिंग तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसे कि आइलैंड फेमाइन के नाम से जाना जाता है, के आगमन से हुई थी। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स हैं जहाँ पर हमें डिजीजेज के की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सालों पुरानों से मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे डिजीजेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया और उसे एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम है इंक्वायरी इंटू प्लांट्स, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि थियोफ्रेस्टस के द्वारा इंक्वायरी इंटू प्लांट बुक को लिखा गया था। इसके अलावा प्लांट डिजीजेज़ का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। हमारे एंशियंट लिटरेचर जैसे कि ऋग्वेद, अथर्वेद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या, इन सारे एंशियंट लिटरेचर्स में भी हमें डिजीजेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखनी है कि एक एंशियंट इंडियन स्कॉलर थे जिनका नाम था सूरापाल। उन्होंने वृक्षा आयुर्वेदा नाम की बुक को पब्लिश किया था। इसके अलावा हम बात करें तो ये सब आप सब जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया था, और उनकी इसी खोज के द्वारा हम माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके अभी तो प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जैसी सुविधा है, जिससे बहुत बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बड़े स्तर पर देखा जा सकता है और इजीली स्टडी की जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्री मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से ऐसे पैथोलॉजिस्ट थे, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की डिजीजेस के ऊपर स्टडी की और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया पैथोलॉजी में। पी ए मिचेली जो हैं वो एक इटालियन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने फंगल स्पोर्स को फर्स्ट टाइम देखा था, और बहुत सारे जो जर्मिनेशन स्टडीज़ हैं फंगस स्पोर्स की उनके बारे में स्टडी किया था। इसके बाद इनकी एक बुक है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पूछी जाती है एग्जाम में कि नोवा प्लांटेरम जेनेरा किस बॉटनिस्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो पी ए मिचेली के द्वारा ये या माइकेली के द्वारा ये लिखी गई थी। इन्हें फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं निधम। ये आप सब जानते होंगे कि निधम जो है उन्होंने निमेटोड्स को देखा था। अरकोकल ऑफ वीट जो एक बीमारी है जो कि निमेटोड से होती है, उसको इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था निधम ने। इसके अलावा हम बात करें मैथ्यू टिलेट ने स्मट ऑफ वीट, जिसे कि स्टिकिंग स्मट के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था और उसकी स्टडी की थी। इन्होंने ये भी प्रूव किया कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पर ये बताने में असफल रहे थे कि जो पर्टिकुलर जो ब्लैक पाउडर है उसमें इन्होंने कहा था कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस है जो कि किसी दूसरे फ्रेश प्लांट के ऊपर जाकर इन्फेक्शन कोज करता है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर रियल में इसका कारण देखा जाए कि ये डिजीज़ इन्फेक्शियस क्यों है, तो जो ब्लैक पाउडर है उसमें फंगस के स्पोर्स पाए जा रहे थे जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाने पर इन्फेक्शन कोज कर रहे थे। तो मैथ्यू टिलेट ने स्टिकिंग स्मट ऑफ वीट के ऊपर बहुत सारी जो पेपर हैं वो पब्लिश किए था उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया था कि अगर हम कॉमन सोल्ट और लाइम के साथ में इन सीड्स को ट्रीट करके उगाते हैं तो इनकी जो कॉन्टेजीनियस एक्टिविटी है या जो इन्फेक्शन है वो कम देखने को मिलता है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड में एंट्री होती है बेनेडिक्ट प्रिवोस्ट की, जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया जैसा मैथ्यू टिलेट ने किया था, पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि टिलेट ने जो कहा था कि ये एक टॉक्सिन से डिजीज़ जो है वो कोज की जाती है बर्न डिजीज़, पर इन्होंने बोला कि जो ब्लैक पाउडर है वो फंगस के स्पोर्स हैं और उनके कारण जो डिजीज़ है वो कोज हो रही है। इसके अलावा इन्होंने बंट ऑफ वीट जो कोज करता है उस फंगस का नाम भी दिया टिलेटिया कैरीज। इसके अलावा इन्होंने बंट फंगस के लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया कि इसके होस्ट क्या है और कंप्लीट लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। इन्होंने ये सॉल्यूशन भी दिया कि कॉपर सल्फेट के घोल से अगर हम सीड्स को ट्रीट करके और उसके बाद उनको उगाते हैं तो बंट के स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट टाइप के केमिकल ट्रीटमेंट्स भी दिए, फंजीसाइडल एंड फंजीस्टेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बताई डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सी एच परसून, जिन्होंने की माइकोलॉजी का यूरोपिका
पब्लिश की, और इसके अलावा इन्होंने रस्ट पैथोजन जो है वीट का उसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस नाम दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं ईएम फ्राइस, जिन्हें की लीनियस ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी किसे बोला जाता है, फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ प्लांट फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है। इसके अलावा इंक्वायरी इंटू प्लांट बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई, बंट की लाइफ साइकिल किसके द्वारा दी गई, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि वो पर्टिकुलर कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो जे.जी. कुहने, जिन्होंने की एक बुक लिखी थी द डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल, तो इनकी ये बुक जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर साइंटिस्ट जिनका पैथोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, जो कि है एंटोन डी बेरी। ये फादर और फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न माइकोलॉजी के, इसके अलावा फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी के। इन्होंने जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो आया था, जिसे आयरलैंड फेमाइन बोला जाता है, उस पैथोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की और उसको रीनेम किया फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस से। इन्होंने डिफरेंट टाइप के रस्ट फंजाई के हेट्रोसियस नेचर को डिस्कवर किया। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो डाउनी मिल्डूज के जेनेरा हैं उनकी लाइफ साइकिल को डिटेल से स्टडी की। तो एंटोन डी बेरी जो साइंटिस्ट है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि एंटोन डी बेरी का प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में क्या रोल रहा है। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो डैम्पिंग ऑफ फंजाइज हैं, रोटिंग फंजाइज हैं, उनके बारे में स्टडी की, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई लाइकेंस एंड मिक्सोमाइकोट्स। इन्होंने रिपोर्ट किया कि एंजाइम्स का और टॉक्सिन्स का किस टाइप से टिश्यू डिसइंटीग्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। वो जैसे कि स्क्लेरोटिनिया नाम की एक फंगस है, तो वो जैसे ही अपने होस्ट प्लांट के ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगी तो वो टिश्यू डिसइंटीग्रेशन फर्स्टली उसके द्वारा टिश्यू डिसइंटीग्रेशन किया जाएगा ताकि उसकी एंट्री इजी हो जाए। तो इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स और टॉक्सिन्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद एंटोन डी बेरी के चार साइंटिस्ट थे, मार्शल वॉर्ड, एमएस बोरोनिन, फेरलो एंड मिलार्डेट, जिसमें मिलार्डेट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन के कंट्रोल में। और बॉर्डेक्स मिक्सचर आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया जाता है किसी भी डाउनी मिल्ड्यू फंगस के अगेंस्ट। इसके अलावा जेंशन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया स्मट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फ्रैंक ने माइकोराइजियल जो फंजाई होते हैं उनकी डिस्कवरी की। इरिक्सन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फिजियोलॉजिकल रेसिस का फिनोमिना दिया गया। और वेंडर प्लैंक, जिन्हें की फादर ऑफ एपिडोमोलॉजी बोला जाता है, उन्होंने होस्ट रेसिस्टेंस दी, रेसिस्टेंस के टाइप्स दिए जो कि हॉरिजॉन्टल और पर्टिकुलर वर्टिकल रेसिस्टेंस होती है, और इन्हें फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एपिडेमोलॉजी क्या होती है पर्टिकुलर? एपिडेमोलॉजी वो साइंस है जिसमें एपिडेमिक्स की स्टडी करते हैं और उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के आउटब्रेक को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, उस साइंस को हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं ईसी स्टेकमैन, जिन्होंने की रस्ट फंगस में वेरिएबिलिटी को डिस्कवर किया था और फिजियोलॉजिकल रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हैंसन स्मिथ जो हैं उन्होंने फिजियोलॉजिकल रेसेस को डिमोनेस्ट्रेट किया था हेट्रोकैरियोसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा शेयर एंड डॉज नाइम के साइंटिस्ट ने न्यूरोस्पोरा को डिस्कवर किया था। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिकल स्टडी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसे कि रेड ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाते हैं, तो इसकी डिस्कवरी शेयर एंड डॉज नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग, जिन्हें कि आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एंटीबायोटिक को, जिसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं। इसके अलावा पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया गया था एस्परजिलस निडुलेंस फंगस से, जिसे कि डिस्कवर किया था पोंटो कार्वो एंड्रोपल ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्लोर नाम के साइंटिस्ट ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था, और ये तब दिया गया था जब वो लिनसीड के ऊपर वर्क कर रहे थे, और लिनसीड में भी मेलेनोस्पोमा लिनी के ऊपर।
ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा जीन फोर जीन हाइपोथेसिस को प्रपोज किया गया था एंड कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर और कौन से जो पेस्ट है उस कौन सी जो डिजीज़ है उसके ऊपर वर्क कर रहे थे तब दिया गया था। तो फ्लोर साइंटिस्ट के द्वारा जीन फोर जीन कॉन्सेप्ट को दिया गया था। इसके अलावा जेसी लूथरा, इन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था वीट लूज स्मट के लिए। इसके अलावा हम पैथोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो लुईस पाश्चर, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कि कोच पोस्टुलेट दी थी और कोच पोस्टुलेट के चार प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कि चौथा प्रिंसिपल जो है वो ईएफ स्मिथ के द्वारा दिया गया था और जो तीन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो कोच के द्वारा दिए गए थे, इसीलिए उनको कोच पोस्टुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा प्योर कल्चर टेक्निक दी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट है टीजे बुरिल, जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम प्रूव किया था कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर जो है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसका नाम है इर्विनिया एमाइलोवोरा के द्वारा कोज की जाती है। इसके अलावा ईएफ स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। प्लांट वायरोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट वायरोलॉजी की हिस्ट्री काफ़ी बार आपने पढ़ी होगी 11th 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन में भी आपने इसमें देखा होगा कि सबसे पहले टोबैको मोजेक वायरस की खोज की गई थी। तो एडोल्फ मेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले टोबैको में मोजेक वायरस को देखा था और उनके सेप ट्रांसमिशन को डिमोनिस्ट्रेट किया था, यानी कि टोबैको के लीव से जो सेप प्राप्त होता है इन्फेक्टेड लीव से, अगर वही सेप किसी दूसरे फ्रेश टोबैको के लीव्स के ऊपर जाकर के ऊपर जाता है तो वो जो फ्रेश टोबैको की लीव्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इवानोवेस्की ने ये सिद्ध किया था कि टोबैको मोजेक वायरस जो है वो उन फिल्टर्स से भी फिल्टर हो जाता है जिन फिल्टर्स में बैक्टीरियल सेल रुक जाती हैं, यानी कि ये बहुत बैक्टीरियल सेल से भी छोटे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बेजेरिंग, जिन्हें कि वायरोलॉजी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है और इन्होंने जो पर्टिकुलर वायरस है उसको कॉन्टेजिनियम वाइवम फ्लूड कहा। इसके अलावा WH स्टेनले, उन्होंने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है क्योंकि क्रिस्टलाइज सिर्फ उन्हीं चीज़ों को किया जा सकता है जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जबकि इससे पहले तक माना जा रहा था कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन इन्होंने इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जिसके कारण इनको एक नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो डिनर एंड रेमर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जो कि एक स्मॉल नेक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा कोज होते हैं जिसे वायरोइड बोला जाता है, की डिस्कवरी की। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के स्पेशल वर्क के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईजे बटलर, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी या फिर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जिस टाइप से एंटोन डी बेरी के ऊपर एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि उनका क्या योगदान रहा है प्लांट पैथोलॉजी में, उसी हिसाब से ईजे बटलर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है। तो आपको इनके सारे जो वर्क्स हैं उनको ध्यान में रखने होंगे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने IERI में 20 साल तक काम किया और ये बाद में फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में चुने गए इंपीरियल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IMI, जिसे कि अभी प्रेजेंट में नाम चेंज करके उसका CMI कर दिया गया है, क्यू इंग्लैंड। इनके द्वारा एक मोनोग्राफ लिखा गया पिथीसियस एंड एलाइड फंजाइट, लेकिन इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, फंजाई इन इंडिया एंड प्लांट पैथोलॉजी। इनके द्वारा तीन बुक्स लिखी गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क वो है JF दस्तूर। ये ऐसे फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इंडिया के ऊपर वर्क ईजे बटलर के द्वारा भी किया गया था, लेकिन वो इंडियन ओरिजिनेटेड साइंटिस्ट नहीं थे, जबकि JF दस्तूर जो हैं वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड साइंटिस्ट हैं या इंडियन फर्स्ट ऐसे इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंजाई और प्लांट डिजीजेस के ऊपर डिटेल में स्टडी की थी। इन्होंने पोटैटो और कैस्टर की जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर डिजीजेस की स्टडी की थी और फाइटोफ्थोरा पैरासिटिका को। इसके अलावा केसी मेहता, जिन्हें कि इंडिया के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट माना जाता है, इन्होंने
डिस्कवरी की स्टेम रस्ट के, वीट में जो स्टेम रस्ट होता है उसके लाइफ साइकिल की इन्होंने डिस्कवरी की, क्योंकि वीट में जो स्टेम रस्ट लगता है उसको पर्टिकुलर एक अल्टरनेट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो अल्टरनेट होस्ट है बारबेरी। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में उन्होंने स्टडी किया कि बारबेरी एक ऐसा प्लांट है कि इंडिया में वीट का जो स्टेम रस्ट है उसको अल्टरनेट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए बारबेरी प्लांट का इंडिया में कोई प्रेफरेंस या ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है कि वीट के अल्टरनेट होस्ट के रूप में बारबेरी वर्क करता है स्टेम रस्ट के लिए। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी सीरियल रस्ट, इंडिया में सीरियल रस्ट के ऊपर स्टडी की थी। इसके अलावा मनोरंजन मित्रा, जिन्होंने की करनाल बंट ऑफ वीट को सबसे पहले रिपोर्ट किया, बीबी मुंदकर, जिन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की 1948 में और एक जर्नल भी पब्लिश किया इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के नाम से। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कौन सी ईयर में एंड किस पर्टिकुलर माइकोलॉजिस्ट के द्वारा की गई। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक को पब्लिश किया जो कि है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। इसके अलावा वाईएल नैने जी के द्वारा खैरा डिजीज़ की खोज की गई थी जो कि राइस में जिंक डेफिशिएंसी के कारण हो रही है, और इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी फंजीसाइड्स इन प्लांट डिजीज़ कंट्रोल। ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और हम बोल सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि डिफरेंट डिजीजेज़ के ऊपर डिटेल में वर्क करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। पर आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो सोसाइटीज़ या फिर उन्होंने कौन सी पर्टिकुलर फंगस या कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया है, ये सारे जो आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से